इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है जो बड़े बड़े दावे करती है। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है, बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्वगुरु बन गए हैं, दुनिया में हम पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने यह है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे, किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, ना दवाई होगी, ना इंतजाम होगा और ना ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहां पहुंचाना चाहते हो? देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है, बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मनमर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या?